आप तो यहाँ रहते हैं तो आपको नहीं मालूम है, क्या बताइए ना कितना। देखिए इन्हीं सब के जैसे अगर लोग हो जाए ना तो कुछ सामने देखने के बाद भी नहीं बताएंगे क्या है। देखिए ऐसी अगर लोग अगर देश में हो जाए ना तो पूरा देश बिक जाएगा और देश बिकने में कोई समय नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिविर भारत वर्ष। शिविर से नेपाल जोड़ने वाली सड़क की स्थिति रहती है बरसात के मौसम में काफी दयनीय। सड़क पूरा ढंस चुका है जमीन में बिना भूकंप जल जला के। शिविर जिला के पिपराड़ी प्रखंड के पिपराड़ी चौक पर सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पता चलता है कि सड़क ही जमीन के अंदर जाकर लापता हो चुका है। यही नहीं, बरसात के मौसम में सड़कों पर लगभग 3 फीट से ज्यादा पानी लग जाता है, जिसके कारण यातायात करने वालों को पता नहीं चलता है कि कहाँ नीचा ऊंचा है, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे लाइव शिविर भारत वर्ष संवाददाता मोहम्मद दानिश खान के साथ भास्कर कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिविर भारत पर। अभी हम मौजूद है शिविर जिले के पिपराड़ी थाना क्षेत्र पिपराड़ी बाजार पे, जहां पिपराड़ी बाजार से लगभग 500 मीटर दूरी तक पिपराड़ी पुल तक जो रास्ता का यह आप जर्जर स्थिति देख सकते हैं। रास्ते से गुजरने वाले जो पब्लिक है उनको सीधा परेशानी अगर देखना है तो कभी बारिश हो जाए 1 घंटा ना, उसके बाद आइए। बारिश हो जाने के बाद यहाँ पर 10 दिन तक पानी रहा है और इसका यहाँ से यहाँ पर एक मठ है, मठ से पानी से सटक वाला था हमारा जो पिपराड़ी पुल है वहाँ तक, हाँ पिपराड़ी के पुल तक बांध तक। दुकानदार लोग को इतना परेशानी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ग्राहक इसकी वजह से नहीं आता, पूरा पानी में डूबा रहता है और जितने बार तो हादसा होते होते चला, महिलाएँ कितनी बार गिरी है पानी में, कुछ गिरी है मोटरसाइकिल से अक्सर हादसा होता रहता है। और मुख्य चौक होने ये प्रखंड न्यायालय प्रखंड का मुख्य चौराहा है, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं, जनप्रतिनिधि निजी का भी इस पर ध्यान नहीं रहता। इसी का ध्यान रहता तो सबको भी करना है, यही नेपाल जोड़ती है तरफ सीतामढ़ी जोड़ती है, ये काठमांडू चले जाएगी सड़क से, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। का नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है। आप बताइएगा इस रास्ते से गुजरने वाली हर एक व्यक्ति को कितना कठिनाई का परेशानी उठाना पड़ता है, कितना मोबाइल गिर गया, कितना का मोबाइल खत्म हो गया, कितना ठेला पलट गया, कितना का गाड़ी टूट गया, इसमें कितना एक्सीडेंट इसमें पैक हो गया। कोई नेता का ध्यान नहीं है, कोई नेता का ध्यान नहीं है, यहाँ के BDO साहब का भी ध्यान नहीं है। कितना किलोमीटर में खराब गजर हो यहाँ से लेके आप मठ तक है? हाँ मठ लगभग कितना किलोमीटर होगा? लगभग 1.25 किलोमीटर तक ले खराब। उनका नाम क्या हुआ? सच्चाई लगेगा और इस भ्रष्टाचार में कितने लोग सम्मिलित है या तो यहाँ आने के बाद यहाँ के जनता ही बताएंगे। और भैया से वहाँ है समस्या ये पानी उनी के यहाँ जो गड्ढा है, हाँ आप तो यहाँ रहते हैं तो आपको नहीं मालूम है, क्या बताइए ना कितना पानी। देखिए इन्हीं सब के जैसे अगर लोग हो जाए ना तो कुछ सामने देखने के बाद भी नहीं बताएंगे क्या है, क्या समस्या रहता है यहाँ पर? बारिश में पानी लगा हुआ रहता है, बाबा जी बाबा को कोई समस्या ही नहीं दिखाई देता है, आते जाते तो ना मालूम है, बोलिए ना पानी लगा हुआ समस्या है। देखिए ऐसी अगर लोग अगर देश में हो जाए ना तो पूरा देश बिक जाएगा और देश बिकने में कोई समय नहीं लगेगा। और भ्रष्टाचार अगर जो हो रहा है ना, हम और आप आवाज को जांच के रख रहे हैं, अगर आवाज को बुलंद करके रखेंगे ना तो भ्रष्टाचार क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।